हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश होने से पहले ही आप कॉपीराइट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी का कोई ऑडियो उठा लिया या कोई वीडियो आपने उठा ली तो उस पर क्लेम आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ पहले से यूट्यूब पर होती है, या नहीं भी होती तो क्योंकि वो किसी और की चीज़ होती है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको मालूम हो जाएगा पब्लिश होने से पहले ही कि इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है, तो फिर आप उसको बआसानी हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ गूगल क्रोम में, और उसके बाद मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं डेस्कटॉप साइट कर देता हूँ इसको। जी हाँ, ये डेस्कटॉप साइट आ गया। डेस्कटॉप साइट के बाद इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। यहाँ जाता हूँ मैं, असल में एक वीडियो को अपलोड करना सिखा रहा हूँ। कॉपीराइट से बचने के लिए आपको वीडियो किस तरह अपलोड करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपलोड वीडियोस में जाएंगे आप, और उसके बाद ऊपर देखिए इसको अपलोड विद क्लासिक कर लें। ठीक है, अपलोड विद क्लासिक करके ये नीचे ऑप्शन है स्किप, इसको स्किप कर दें आप। सेम टू सेम यही तरीका आप पीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अच्छा, अब देखिए जो काम आपको करना है वो ये है कि देखिए पब्लिक आ रहा है, आप पब्लिक को हटाकर इसको प्राइवेट कर दें। पब्लिक को हटाकर प्राइवेट करने का ये फ़ायदा होगा कि ये वीडियो प्राइवेट होगी, ये सिर्फ़ आप देख सकते हैं, किसी के पास इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो अगर इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, क्योंकि वीडियो मेरी नहीं है, मैंने किसी की ली है, अगर इस पर कॉपीराइट क्लेम आ भी जाता है तो आप इसको डिलीट फॉर एवर कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं आपको कॉपीराइट क्लेम का तरीका भी बता देता हूँ कि आपको कैसे मालूम होगा। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से मैंने प्राइवेट कर लिया था और ये इस वक्त अपलोड होना शुरू हो गई है वीडियो। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, लेकिन ये अपलोड होना अभी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगी। ये देखिए अपलोड हो रही है वीडियो। बिल्कुल ये अपलोड हो रही है, इसका काम जारी है, कुछ ही देर के बाद ये अपलोड हो जाएगी, रेडी टू वॉच आ गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको, ये प्राइवेट है, ठीक है, इसको मैं देख भी सकता हूँ, ये यूट्यूब पर आ चुकी है वीडियो। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये मालूम करना है कि इस पर कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है। तो इसके लिए अब मैं जाऊँगा दोबारा क्रोम में जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद मैं दोबारा लिख लेता हूँ YouTube.com लिख लेता हूँ, और ये लिखने के बाद मैं इसको अपलोड डेस्कटॉप साइट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप साइट आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये आखिर में जो लोगो है इसको मैं प्रेस करता हूँ, और यहाँ से जो तीसरा ऑप्शन है जिसको यूट्यूब स्टूडियो कहते हैं उसमें मैं जाता हूँ, उसमें मैं चला गया। अच्छा, अब देखिए एक नई विंडो खुल रही है जिसमें सारी डिटेल होगी। सेम टू सेम इसी तरीके से आप अपने पीसी में भी यही तरीका अपना कर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ वीडियोस में मैं चला जाऊँगा।
ठीक है। वीडियोज़ में जाने के बाद ये देखिए वीडियोज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ जो मेरे चैनल की वीडियोज़ हैं वो सब की सब आ चुकी हैं। अब देखिए अभी अभी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो ये थी, मुझे ये चेक करना है कि इस पर कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है। देखिए ये देखिए रेस्ट्रिक्शन में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो क्योंकि ये मेरी अपनी वीडियो नहीं थी, किसी और की वीडियो थी। अब जब मैंने देखा कि क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ था, अब जब मैंने देखा कि इस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो मैं इसको अपने चैनल से हटा भी सकता हूँ, और देखिए इसको भी मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको डिलीट फॉरएवर कर दूँगा, तो ये वीडियो हमेशा के लिए हट जाएगी क्योंकि इस पर कॉपीराइट क्लेम था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अगर वीडियोस से इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं या आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको इस तरह की ट्रिक्स मिलती रहें।